परमहंसाचार्य को नहीं दिया गया प्रवेश। तीन शिष्यों के साथ ताजमहल देखने पहुंचे थे परमहंसाचार्य। यहां पर परमहंसाचार्य ने सुरक्षा कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, कहा भगवा कपड़े होने की वजह से नहीं मिला प्रवेश यहां पर। मामले में एसआई अधीक्षक राजकुमार ने रखा है अपना पक्ष, का धर्मदंड होने की वजह से यहां पर नहीं दिया गया प्रवेश। और सुरक्षा कर्मियों ने धर्मदंड रखने की यहां पर अपील की थी, यहां पर धर्मदंड जमा करके प्रवेश करने की अपील की थी। यहां पर बिना धर्मदंड परमहंस ने ताजमहल में जाने से मना कर दिया यहां पर। तो देखिए खबर आपको बता रहे हैं जहां पर परमहंस ने आरोप लगाया कि भगवा वस्त्र होने की वजह से उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया गया, लेकिन यहां पर अपना पक्ष भी रखा गया पुलिस के जवानों की तरफ से। यहां पर ताजमहल में नो एंट्री परमहंसाचार्य को प्रवेश यहां पर नहीं मिला। अपने तीन शिष्यों के साथ यहां पर पहुंचे थे, सुरक्षा कर्मियों पर यहां पर आरोप भी लगाया कि भगवा कपड़े पहनने की वजह से उनको अंदर एंट्री नहीं दी गई है। तो वही देखिए धर्मदंड की बात कहते हुए कहा जा रहा था कि उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। यह तेजो महालय शंकर जी का मंदिर है, जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल, ताजमहल नहीं तेजो महल है, और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। तो हमें चूंकि मैं भगवा पहना हूँ, तो यहाँ का जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज़्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। और भगवान चाहेंगे तो यह जो लोगों के अंदर जो है एक दुर्भावना पैदा हो गई है वो ठीक किया जाएगा। जय श्री राम। इस घटना की जानकारी मुझे भी एक स्थानीय पत्रकार के द्वारा हुई। 11:30 बजे दूरभाष पे मेरे पास फोन आया, उसके बाद मैंने संज्ञान लिया इस घटना का। और जो सेकंड हाफ में हमारे स्टाफ ड्यूटी में थे उन सबसे हमने बात किया, उन सबसे संपर्क किया, बट हमारे एएसआई के सभी स्टाफ ने डिनाई किया कि इस प्रकार की घटना उनके संज्ञान में नहीं हुई थी। तो देखिए बड़ी खबर है, परमहंसाचार्य को ताजमहल में प्रवेश नहीं मिलने का मामला है। एएसआई के अधिकारी और सीआईएसएफ के अफसर ताजमहल यहां पर पहुंचे हुए हैं, सभी सीसीटीवी कैमरे की मदद से मामले की जांच कर रहे हैं। अब तक 100 से अधिक कर्मचारी और स्थानीय लोगों से पूछताछ यहां पर हो चुकी है। एएसआई का कहना है कि सिर्फ धर्मदंड की वजह से प्रवेश नहीं मिला है। परमहंसाचार्य का कहना है कि भगवा कपड़े की वजह से यहां पर प्रवेश नहीं। और हमारे संवाददाता आगरा से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, हमारे संवाददाता इसी के साथ उनसे सबसे पहले अपडेट यही आपसे ले रहे हैं हम देवेश, कि यहां पर जो आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है, यानी कि महंत का कहना कि भगवा कपड़े की वजह से, लेकिन वहां पर एसआई के अधिकारी कह रहे कि धर्मदंड की वजह से, तो किसकी बातों में सच्चाई है, कैमरे खंगाले जा रहे हैं, क्या कुछ अभी तक सामने आया है? देखिए शिवानी, सबसे बड़ी बात जो समझने वाली यह है कि देखिए ताजमहल सेंसिटिव जोन में आता है, इसकी जो सुरक्षा है 3 लेयर में है, और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके मुताबिक ताजमहल के अंदर किसी भी तरह का वेपन्स या हथियार या डंडा लाठी या फिर कोई भी खाने की चीज नहीं ले जा सकते पर्यटक। और इसी के तहत जो ताजमहल में प्रवेश द्वारों पर सीआईएसएफ द्वारा चेकिंग की जाती है, तो वहां पर साफ तौर से पर्यटकों के बैग में कुछ खाने पीने का आइटम भी होता है या फिर नेल कटर होता है उसे भी निकाल दिया जाता है। तो इसी आधार पर जब स्वामी परमहंस कल पहुंचे यहाँ पर अपने दो शिष्यों के साथ और वो चेकिंग पॉइंट पर पहुंचे, तो वहां पर उनसे सीआईएसएफ कर्मियों ने रिक्वेस्ट की कि आपके हाथ में जो ये ब्रह्मदंड है आप इसको बाहर लॉकर रूम में या फिर ईएसआई की टिकट विंडो पर जमा करा दीजिए और उसके बाद आप ताजमहल में प्रवेश कीजिए और ताजमहल देखने के बाद आप इस ब्रह्मदंड को अपने साथ वापस ले जाइए। ये पूरा मामला यही था। और इसके इस पर स्वामी जी जो बताया जा रहा है, स्वामी जी इस पर एग्री भी हो गए थे, लेकिन उसके बाद स्वामी जी बाहर गए और पता नहीं क्या पूरा सिनेरियो चेंज हुआ जिसके बाद कि ये पूरा मामला दूसरे रुख। देवेश, तो यहाँ पर क्या महंत परमहंस अंदर गए, वो दाखिल हुए अंदर, क्योंकि जैसा कि आपने जानकारी दी कि वो एग्री भी हो गए थे तमाम बातों को सुनने के बाद, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ, क्या इस बात को लेकर स्वामी जी परमहंस से बातचीत की गई है? देखिए स्वामी परमहंस जी का साफ कहना है कि मुझे भगवा वस्त्र की वजह से रोका गया, लेकिन कई बार आज सुबह जो हमारी एएसआई सुपरिटेंडेंट से बात हुई और जो वहाँ पर सीआईएसएफ अधिकारी थे जो चेकिंग के दौरान, उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि स्वामी जी ऐसे भगवा वस्त्र को लेकर, क्योंकि उन्हें आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भगवाधारी किसी व्यक्ति को या साधु संत को ताजमहल में प्रवेश करने से रोका गया हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि स्वामी जी के साथ जो ब्रह्मदंड था उसको बाहर लॉकर में जमा कराने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया था सीआईएसएफ कर्मियों ने, और इस रिक्वेस्ट को उन्होंने स्वीकार भी किया था, लेकिन स्वामी जी इसके तहत बाहर आए और पता नहीं पूरा मामला किस तरह से बदला और ये नया रुख ले लिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देवेश तमाम जानकारियों के लिए आपका। लखनऊ से अगली खबर है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की वीडियो